से काम लेना होगा। हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन, यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है। लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है, वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है, इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हाथियों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसुपुनु ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है। आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में।
इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेक ओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्में आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसकी ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये वामनतक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस्य से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है। किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्डियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जाने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गर्जियन में अपर्णा जो भी चाहती है, अच्छा बुरा और बदसूरत, वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोच जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देख कर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन? यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है, लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है। वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है? इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके।
मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हाथियों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है या क्यों कहे कि लूसुपुनु ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है, आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्में आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसकी ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये भावनात्मक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गर्जियन में अपर्णा जो भी चाहती है, अच्छा बुरा और बदसूरत, वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है।
भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोज जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देखकर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है। अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन? यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है। वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है? इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हथियारों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है? या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है, गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है या क्यों कहे कि लूसू पुन्नू ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है। आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है? भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्म आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसके ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये भावनात्मक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपर्णा से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं,
तो लेखन में स्पष्ट आलस से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जाने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गार्जियन में अपर्णा जो भी चाहती है अच्छा बुरा और बदसूरत वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोज जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देख कर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन, यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है, लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है, इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हाथियों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे। दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसू पुन्नू ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें
वो अधूरा है। गाजियानिक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है, जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है। आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यह जरूर जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्म आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसके ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये भावनात्मक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते है और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्डियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जाने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गर्जन में अपर्णा जो भी चाहती है, अच्छा बुरा और बदसूरत, वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोज जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देखकर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पुलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस निरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है
अंशिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन, यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है, लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है, इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हाथियों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसू पुन्नू ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है, आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है? भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती, कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क, सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्म आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसके ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये वामनतक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं तो लेखन में स्पष्ट आलस्य से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है, और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है। गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है, ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जाने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गार्जियन में
अपर्णा जो भी चाहती है, अच्छा बुरा और बदसूरत वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है। और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है? गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोच जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देख कर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन? यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है। लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है, वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है? इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हाथियों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है? या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसुपुनु ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है। आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। इस ट्रैक में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है? भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार
जब फिल्म में आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है। गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसकी ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये वामनतक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलय से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है। किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्डियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जाने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गर्जियन में अपर्णा जो भी चाहती है, अच्छा बुरा और बदसूरत, वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोच जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देख कर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन? यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है, लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है। वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है? इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हथियारों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के
पीछे छोड़ देता है या क्यू कहे कि लूसू पुन्नू ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है। आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे। मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा। लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है। फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्में आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है। गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसकी ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये भावनात्मक समर्थन के लिए पर्याप्त है। जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं तो लेखन में स्पष्ट आलस से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है। किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है। गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गर्जियन में अपर्णा जो भी चाहती है अच्छा बुरा और बदसूरत वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोच जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देखकर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है। अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं लेकिन
इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन, यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है। लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है, वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है, इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हथियारों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है, गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसू पुन्नू ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है, आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती, कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्म आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसके ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये भावनात्मक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपर्णा से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस्य बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गार्जियन में
अपर्णा जो भी चाहती है अच्छा बुरा और बदसूरत वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है। और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोच जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देख कर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन, यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है, लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है, इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हाथियों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे। दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसू पुन्नू ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है, आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में। इस ट्रैक में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं।
कई बार जब फिल्में आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसके ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये वामनतक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते है और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्डियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गर्जन में अपर्णा जो भी चाहती है, अच्छा बुरा और बदसूरत, वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोज जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देखकर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पुलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन? यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है, लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है। वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है? इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हाथियों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है? या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के
पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसु पुन्नु ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है, जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है। आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माता से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क, सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्में आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसकी ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये वामनतक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस्य से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है, और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जाने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गर्जियन में अपर्णा जो भी चाहती है, अच्छा बुरा और बदसूरत, वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोज जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देखकर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस निरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन
इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन, यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू वो भी हिंदी में। अपना जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है, लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है। वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है, इस डर से अपना को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हाथियों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसुपुनु ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है, आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेक ओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्में आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसके ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये भावनात्मक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस्य से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है, और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है। गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है, ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गार्जियन में
अपर्णा जो भी चाहती है अच्छा बुरा और बदसूरत वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है। और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोच जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देख कर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन, यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है, लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है। वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है, इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हथियारों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है, गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसुपुनु ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है, आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार
जब फिल्म आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है। गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसकी ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये वामनतक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जाने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गर्जियन में अपर्णा जो भी चाहती है, अच्छा बुरा और बदसूरत, वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोच जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देखकर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन? यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है, लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है। वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है? इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हाथियों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के
पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसु पुन्नु ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है, जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है। आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्म आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसकी ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये भावनात्मक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस्य बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है, और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गार्जियन में अपर्णा जो भी चाहती है, अच्छा बुरा और बदसूरत, वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोज जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देख कर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पुलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन
इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन, यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है। लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है, वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है, इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हाथियों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसू पुन्नू ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है, आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्म आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसके ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये भावनात्मक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते है और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गार्जियन में
अपर्णा जो भी चाहती है अच्छा बुरा और बदसूरत वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है। और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोच जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देखकर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पुलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन, यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है, लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है। वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है, इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हाथियों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे। दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसू पुन्नू ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है, आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में। इस ट्रैक में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माता से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेक ओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क, सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार
जब फिल्म में आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है। गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसकी ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये भावनात्मक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आले से बहुत स्पष्ट रूप से दिखा देता है गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्डियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जाने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गर्जियन में अपर्णा जो भी चाहती है, अच्छा बुरा और बदसूरत, वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोज जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देख कर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन? यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है, लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है। वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है? इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हथियारों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के
पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसू पुन्नु ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है, जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है। आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माता से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेक ओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्में आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसकी ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये वामनतक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस्य से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है, और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जाने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गार्जियन में अपर्णा जो भी चाहती है, अच्छा बुरा और बदसूरत, वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोच जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देखकर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन
इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन, यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपना जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है। लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है, वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है, इस डर से अपना को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हथियारों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है, गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसुपुनु ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है, आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती, कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्में आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसके ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये भावनात्मक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गार्जियन में
अपर्णा जो भी चाहती है अच्छा बुरा और बदसूरत वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है। और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोच जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देखकर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन, यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है, लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है। वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है, इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हथियारों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे। दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है, गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है या क्यों कहे कि लूसू पुन्नू ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है, आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार
जब फिल्म आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है। गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसकी ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये वामनतक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस्य बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है। किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है। गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जाने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गर्जियन में अपर्णा जो भी चाहती है, अच्छा बुरा और बदसूरत, वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोज जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देख कर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है। अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन? यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है। लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है, वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है? इस डर से अपर्णा को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हाथियों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है? या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के
पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसु पुन्नु ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है, जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है। आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क और सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्में आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसके ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये भावनात्मक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते है और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है, और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गार्जियन में अपर्णा जो भी चाहती है, अच्छा बुरा और बदसूरत, वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोज जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देखकर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पुलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस निरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन
इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है। कैसी है हंसिका मोटवानी की हॉरर फिल्म गार्डियन, यहाँ जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपना जो पेशे से आर्किटेक्ट है और खुद को जीवन में बदकिस्मत मानती है, को पता चलता है कि एक छोटी सी घटना के बाद वो जो चाहती है वो असल जिंदगी में हो जाता है, लेकिन हर अच्छे काम के लिए वो प्रार्थना करती है। वो एक कारण और प्रभाव प्रतिक्रिया है और एक हानिकारक घटना के साथ संतुलित है। उसे क्या सता रहा है, इस डर से अपना को मानवीय और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है ताकि जो हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई को जान सके। मैं गार्जियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू से करूँ क्या? ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो रसायन विज्ञान की कक्षा लेती है और ऐसे पदार्थों का आविष्कार करती है जो पानी के साथ जल सकते हैं और किसी तरह एक आर्किटेक्ट बन जाती है। क्या ये एक नियमित भूत की कहानी है जो एक असहाय इंसान के रूप में मर जाती है और 1000 हाथियों की ताकत के साथ वापस आती है और अपराधियों से लड़ती है, या ये एक पुरानी फिल्म है जो जबरदस्ती कॉमेडी ट्रैक में लिप्त हो जाती है और उम्मीद करती है कि जब एक गोरी चमड़ी वाली महिला को सफेद गुलाब जामुन कहा जाता है तो लोग हंसेंगे? दुर्भाग्य से गार्जियन उन सभी को एक घटिया फीचर के रूप में एक साथ रखता है जो ना तो किसी तरह की डरावनी कहानी पेश करता है और ना ही इस बात के लिए तार्किक तर्क देता है कि घटनाओं की श्रृंखला क्यों हो रही है। गार्जियन हंसिका के पीछे छोड़ देता है, या क्यों कहे कि लूसू पुन्नू ट्रैप को अपने नायक के पास वापस लाता है। हमें नायक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है सिवाय इसके कि वो बदकिस्मत है और जीवन में उसे हर मौके पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो गार्जियन जो बनना चाहता है उसमें वो अधूरा है। गार्जियन एक भूत की कहानी है जो एक नायक के आम अंदाज का अनुसरण करती है जो एक भूत के कब्जे में आ जाता है जिसे उसके मानव काल के दौरान लोगों ने गलत किया है, आत्मा वापस आती है और अपना बदला लेती है। तमिल फिल्म गार्डियन देखने से पहले यहाँ जरूर जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। इस ट्रैप में कोई स्पॉइलर नहीं है जो अब सालों से टेम्पलेट बन गया है। अब जबकि गार्डियन ट्रैप का अनुसरण करता है, इसे देखने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक बिंदु पर एक अपर्णा खलनायक से पूछती है, आप एक मृत महिला को कितनी बार मारेंगे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और निर्माताओं से वही सवाल पूछा, मैं कितनी बार अलग से कॉमेडी ट्रैक पेश करेंगे जिसका फिल्म के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं है। भूत की कहानियों को कब तक केवल डरावने डरावने दृश्य के रूप में सस्ते रोमांच के साथ पेश किया जाएगा? लेंस से ढकी आंखें और पागलों की तरह मेकओवर कैसे किसी को ये बताने का संकेत हो सकता है कि कोई भूत प्रेत से ग्रस्त है? फिल्म की मेकिंग भी इसमें मदद नहीं करती। कर्कश संगीत, घटिया कैमरा वर्क, सुस्त लेखन गार्डियन को एक निरस फिल्म बनाते हैं, साथ ही अनजाने में चुटकुले भी बनाते हैं। कई बार जब फिल्में आसानी से दूसरे भाग के अभिशाप का शिकार हो जाती है, गार्डियन एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों में से कोई भी भाग फिल्म के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक असहाय माँ और उसके ईमानदार इरादों के लिए मार दिया जाता है और उसका बच्चा एक क्रूर दुनिया में अकेला रह जाता है। क्या ये वामनतक समर्थन के लिए पर्याप्त है? जब चमत्कारिक रूप से सभी खलनायक अपना से हाथ मिलाते और जुड़ते हुए दिखते हैं, तो लेखन में स्पष्ट आलस्य से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गार्डियन एक हॉरर फिल्म होने की उम्मीद है, लेकिन ना तो ये हॉरर को जगाती है और ना ही आपको डरावना बनाने की कोशिश करती है। अभिनय की झलक भी कोई खास नहीं है, किरदार तो आयामी लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ये दर्शकों को निराश भी करता है, और जब निर्माता आपको एक शैली आधारित फिल्म देने का वादा करते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं और आश्चर्य होता है कि फिल्म ने दो अलग अलग हिस्सों को बताने का विकल्प क्यों चुना जो किसी भी तरह से जुड़ नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसी फिल्में भी जिनमें संभावना दिखती है और उन्हें बनाने में दखल दिया जाता है, गार्जियन ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता है। ये केवल पुरानी शराब की बोतल में पुरानी फिल्म निर्माण है जो अच्छी तरह से पुरानी नहीं होता है। गार्डियन फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, वो भी हिंदी में। अपर्णा को एहसास होता है कि वो जो भी चाहती है वो हो जाता है। जब वो ये जाने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो पता चलता है कि वो गंभीर खतरे में है। गुरु सर्वनन की गार्जियन में
अपर्णा जो भी चाहती है, अच्छा बुरा और बदसूरत वो होता है। ऐसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ समय से कुछ अप्राकृतिक हो रहा है और वो इस बात की तह तक जाने के लिए मनोचिकित्सक से सलाह लेती है। और इसके साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है? गार्जियन की मूल कथानक बहुत ही रोमांचकारी है, लेकिन फिल्म के कुछ ही मिनटों में हम उस रोमांच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभिनय, मंचन और पटकथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हमें एक भयानक फिल्म देखने का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। जब डरावने तत्व सामने आते हैं तो चीजें और भी बदतर हो जाती है। भूत की उपस्थिति के साथ निर्माता थोड़ा ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। फिल्म हमें एक भूत से भयभीत करना चाहती है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक महिला जिसका चेहरा खनोच जैसे निशान से भरा हुआ है। शायद हम इन दृश्यों को देख कर चौंक जाते हैं अगर ये इतनी बुरी तरह से नहीं किया गया होता। साथ ही हंसिका मोटवानी का अभिनय फिल्म के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। वो हल्के फुल्के पलों में बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जब फिल्म अधिक गंभीर लहजे में होती है तो उसका अभिनय हर जगह दिखाई देता है। राजेंद्रन की विशेषता वाला कॉमेडी ट्रैक इस नीरस फिल्म की एकमात्र बचत हो सकती है, अन्यथा घिसे पिटे विरोधी और अनजाने में हास्यपूर्ण डर इस फिल्म को दर्शकों के लिए और अधिक पीड़ादायक बनाते हैं। गार्जियन में केवल एक कॉल बैक मोमेंट है जो वास्तव में काम करता है। एक दृश्य में एक माँ अपनी बेटी को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाती है। हमारी कई हालिया फिल्मों में ऐसे दृश्य की भरमार है जो इसी बात का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फिल्म निर्माता केवल जागरूक होने के लिए ही जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन इस पल को बाद में बेटी वाले दूसरे दृश्य में संदर्भित किया जाता है। एक ऐसी फिल्म के लिए जो इतनी असंगत है, सुसंगति का ये एक क्षण ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़ी बात है।